बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर टीचर फ्रॉम अलाइड स्कूल्स पीरे बे कैंपस लाहौर। दिस इज़ ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास टू। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व पेज नंबर 34, 35 एंड लर्न टेबल्स ऑफ 6। दिस डायरी इज़ फॉर वीक 6, डे 1, 3rd एंड 4th। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व पेज नंबर 34। फर्स्टली यू हैव टू राइट डेट ऑन द लेफ्ट साइड, एच डब्ल्यू इन द मिडल एंड डे ऑन द राइट साइड। The topic of this page is addition of 3-digit numbers, converting ones. यानी कि तीन जो हिंसों वाले नंबर हैं उनको हमने जमा करना है और जो ones हैं उनको हम लोगों ने convert करना, का मतलब है तब्दील कर देना या चेंज कर देना। ठीक है, यहाँ पे example हमें दी हुई है। हमने 267 जो है इसमें हमने add करना है 115 को। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो येलो पोर्शन यहाँ पे बना हुआ है इसमें जो है इस हमको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ऊपर जो है 267 को रखा है और नीचे 115 को। ठीक है, और जब हमने इसको सॉल्व किया, सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि राइट साइड से हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और वंस जो हैं ये सबसे पहले सॉल्व होते हैं, उसके बाद टेंथ को सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम लोग 100 जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए जी, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 7 में जब हमने 5 को ऐड किया तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट करने के लिए हम 7 लाइंस ऊपर लगाएंगे और नीचे हम 5 लाइंस लगाएंगे। जब हमने इनको टोटल किया तो हमारा आंसर आया 12। 12 का जो 2 है वो हम लिखेंगे वंस के नीचे और 1 जो है उसको हम कैरी करेंगे टेंस पे। ठीक है, अब हम 1, 6 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 और लास्ट पे हम लोग सॉल्व करेंगे 100 को। 2 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। इस तरह जब हमने 267 और 115 को ऐड किया तो हमारा जो टोटल आंसर हमारे पास आया वो है 382। अब हम इसी तरह जो है नीचे जो हमारे पास सम्स दिए हैं इनको सॉल्व करेंगे। जो ए हमारे पास सम है वो है जी 6 + 7। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हम वंस की साइड से जो है सबसे पहले वंस को सॉल्व करेंगे तो हम वंस जो है इनकी साइड से जो है राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 लाइंस हम ऊपर लगाएंगे, 7 लाइंस हम नीचे लगाएंगे, तो जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13। 13 का जो 3 है हम वो हम वंस के नीचे लिखेंगे और 1 जो है उसको हम कैरी करेंगे टेंथ पे। ठीक है, और उसके बाद हम जब टेंथ को हमने टोटल किया तो हमारा आंसर आएगा 5 + 1 + 1 = 6। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम लोग 100 जो है इनको सॉल्व करेंगे। 2 + 1 = 3, हमारा आंसर आया है 363। बी जो हमारे पास सम है वो है वंस जो हैं उसमें जो हमें जो नंबर्स दिए वो है 9 + 6। 9 हम लाइंस ऊपर लगाएंगे और 6 जो है लाइंस नीचे लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। 15 का जो 5 है वो हम वंस के नीचे लिखेंगे और 1 जो है उसको हम कैरी करेंगे टेंथ पे। ठीक है, उसके बाद हमने जब टेंथ को टोटल किया तो हमारा आंसर आएगा 3 + 2 + 1 = 6। 6 जो है वो हम टेंस के नीचे लिखेंगे और लास्ट में हम 100 जो है इनको काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 100 में सिर्फ 5 ही है तो हम नीचे जो हमारे पास नंबर में कुछ नहीं दिया हुआ, सिंगल नंबर है यहाँ पे, तो हम 5 का जो है वो 5 ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आया है 565। सी जो हमारे पास सम है वो है 8 + 8। वंस की साइड पे जो है 1 के नीचे लिखा हुआ है 8 + 8, इसका जब हम 8 लाइन ऊपर लगाएंगे और 8 लाइन नीचे तो हम जब टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। 16 का जो 6 है वो हम नीचे लिखेंगे और 1 जो है उसको कैरी करेंगे टेंथ पे। अब हम जब टेंथ को सॉल्व करेंगे तो 6 + 2 + 1 = 7। ठीक है, ये भी आप लाइन लगा के इजीली कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, और उसके बाद हम 100 को जब काउंट करेंगे तो हमारे पास 3 + 5। ठीक है, 3 लाइन्स ऊपर लगाई, 5 लाइन्स नीचे लगाई तो हमारा आंसर आएगा 8। हमारा आंसर आया है 876। अगला जो क्वेश्चन है वो है जी 7 वंस जो है इसमें इसके नीचे जो हमें नंबर दिए हुए हैं वो हैं 7 + 3। 7 लाइंस हम ऊपर लगाएंगे, 3 लाइंस नीचे लगाएंगे और जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। 10 का 0 हम लगाएंगे वंस के नीचे और जो 1 है उसको हम कैरी करेंगे टेंस पे। ठीक है, उसके बाद जी टेंस को जब सॉल्व करेंगे तो 7 + 0 + 1 हमारा आंसर आएगा 8। ठीक है, और 100 को जब हम काउंट करेंगे तो 3 + 6 = 9। आप 3 लाइन्स ऊपर लगाएं, 6 लाइन्स नीचे लगाएं और आपका आंसर आएगा 9। अगला क्वेश्चन है वंस के नीचे जो हमें नंबर दिए हैं 8 + 9। 8 लाइन्स आप ऊपर लगाएं, 9 लाइन्स आप नीचे लगाएं और आंसर आपका आएगा 17। 17 का 7 हम 0 के 1 के नीचे लिखेंगे और 1 जो है उसको हम कैरी करेंगे टेंथ पे।
टेंथ में हमारे पास जो हमने कैरी किया है 1, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, 2 जीरो है हमारे पास, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा 1। और 100 में हमारे पास ये नंबर हैं 1 + 5, तो इसका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, वंस की में नंबर जो है वो है 7 + 5 = 7, जो है लाइंस अब ऊपर लगेंगे, 5 लाइंस नीचे, आंसर आएगा 12। 12 का 2 हम लिखेंगे 0 की वंस के नीचे सॉरी, और 10 1 जो है उसको हम कैरी करेंगे टेंस पे। जब हम टेंस को काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, टेंस में हमारे पास नंबर्स हैं जी 8 + 0 + 1, तो आंसर हमारा आएगा 9। और 100 में हमारे पास सिंगल जो है वो नंबर है, यानी कि 9 है, नीचे हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको हम ऐड कर सकें, तो हम 9 ही नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5 + 6, वंस में जो नंबर हैं वो ये हैं, ठीक है। और जब हमने इनको काउंट किया और इन लाइंस लगा के इनको जब हमने टोटल किया तो हमारे पास आंसर आएगा 11। 11 का हम 1 लिखेंगे वंस के नीचे, और दूसरा जो 1 है उसको हम कैरी करेंगे टेंस पे। टेंस में हमारे पास जो बाकी नंबर हैं वो हैं 2 + 2, और जो कैरी किया हमने 1 उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। 100 में हमारे पास 4 + 5 = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वंस के नीचे जो नंबर हैं वो हैं 4 + 8, 4 लाइंस आप ऊपर लगाएं और 8 लाइंस नीचे लगाएं, आंसर आएगा 12। 12 का 2 हम वंस के नीचे लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे टेंस पे। टेंस में हमारे पास जो बाकी नंबर है वो है 2 + 0, और जो 1 हमने कैरी किया है वंस से, ठीक है। और जब हमने इनको ऐड किया 2 + 1 को, और हमारा आंसर आया है 3। 100 में 7 + 2 = 9। लास्ट है जी हमारा इस पेज पे, वंस के नीचे जो नंबर हैं वो हैं 8 + 9, 8 हम लाइंस ऊपर लगाएंगे, 9 लाइंस नीचे लगाएंगे, जब हम इनको काउंट करेंगे टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17। 17 का 7 जो है वो हम 0 के नीचे वंस के नीचे सॉरी लिखेंगे, और 1 जो है उसको हम कैरी करेंगे टेंस पे, ठीक है। और जो टेंस में हमारे पास नंबर बाकी दिए हुए वो हैं 2 + 1, और 1 जो हमने कैरी किया है वंस से, ठीक है। तो जब इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। 100 में हमारे पास जो नंबर हैं वो है 6 + 2, 6 लाइंस ऊपर लगाएं, 2 लाइंस नीचे लगाएं, और जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। इस तरह ही हमारा पेज सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 35 की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लेफ्ट साइड पे डेट मेंशन करेंगे, HW मिडल में लिखेंगे, और राइट साइड पे आप लोग डे लिखेंगे, ठीक है। और एडिशन वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है जिनको हमने सॉल्व करना है। नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, ऐड टू आंसर दीज कन्वर्टिंग वेयर नेसेसरी, यानी कि जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे हमने कन्वर्ट करना है वंस को, ठीक है, चेंज करना है उसको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, साइमा हैज़ 151 स्टैम्प्स, शी कलेक्ट्स 109 मोर, हाउ मैनी स्टैम्प्स डज शी हैव ऑल टुगेदर। यानी कि साइमा के पास जो है 151 जो स्टैम्प्स हैं, और उसने और जो हैं 109 स्टैम्प्स और उसके पास आ गई, जमा की, ठीक है, उसने, और आपने बताना है कि टोटल उसके पास कितनी जो है वो स्टैम्प्स है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ऊपर जो है 100 टेंस और वंस को लिखा, उसके बाद हम लोगों ने 151 को नीचे लिखा इनके, ठीक है। 1 जो आएगा वो 100 के नीचे आएगा, 5 जो है वो टेंस के नीचे आएगा, और जो 1 है लास्ट वाला वो वंस के कॉलम में आएगा। उसके बाद हमने 109 को भी इसी तरह जो है वो लिखा 100 टेंस और वंस के कॉलम में। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग राइट साइड से 1 से स्टार्ट करेंगे, 9 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। 10 का 0 हम लिखेंगे वंस के नीचे, और जो 1 होगा उसको हम कैरी करेंगे टेंस पे। तो 5 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। 100 में हमारे पास 2 वंस हैं, तो जब इनको काउंट करेंगे टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो जो हमारा जो साइमा ने टोटल स्टैम्प जो हैं वो कलेक्ट की वो हैं 260, ये आंसर आया है। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन वो है, मज़र इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, ऑन सैटरडे ही रीड 244 पेजेस एंड ऑन संडे 126 पेजेस, हाउ मैनी पेजेस डिड ही रीड ओवर द वीकेंड। मज़र जो है वो एक बुक पढ़ रहा है, स्टोरी बुक पढ़ रहा है, कहानी वाली किताब पढ़ रहा है, ठीक है। सैटरडे जो है उस दिन उसने 244 पेजेस पढ़े, और संडे वाले दिन उसने 126 पेजेस पढ़े हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि वीकेंड पे उसने टोटल कितने जो पेजेस हैं उनको रीड किया, ठीक है। यहाँ पे भी हम 100 टेंस और वंस लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे इनके लदा लदा, ऊपर हम लिखेंगे 244 और नीचे हम लिखेंगे 126।
सबसे पहले हम वंस के कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 और 4 है, जब हम 6 लाइन ऊपर लगाएंगे और सॉरी 4 लाइन ऊपर लगाएंगे 6 लाइन नीचे लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। 10 का 0 हम लिखेंगे वंस के कॉलम में और 1 जो इसको हम कैरी करेंगे टेंथ के कॉलम पे। और जब हम टेंथ के कॉलम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आएंगे 4 + 2 + 1 = 7। लास्ट है जी 2 और 1 को जब हम ऐड करेंगे 100 के कॉलम में तो हमारे पास आंसर आएगा 3। इस तरह जो हमारे पास आंसर आया है यानी कि जो मज़हर ने वीकेंड पे जो जितनी बुक पढ़ी है, जो जितने पेजेस पढ़े हैं वो हैं 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीवा ईट्स 56 ग्रेप्स और समीहा ईट्स 118, हाउ मेनी ग्रेप्स डू दे ईट ऑल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे अदीवा जो है उसने 56 ग्रेप्स खाए हैं यानी कि अंगूर खाए हैं, समीहा जो है उसने 118 खाए हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि दोनों ने टोटल कितने जो हैं वो ग्रेप्स खाए हैं। ऊपर हम लोग कॉलम बनाएंगे 100 टेंस और वंस का, उसके बाद हम लोगों ने 118 को ऊपर लिखा और 56 को हम लिखेंगे नीचे। वंस के कॉलम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 + 6, 8 लाइन ऊपर लगाएं 6 लाइन नीचे लगाएं और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। 14 का 4 जो है वो हम नीचे लिखेंगे वंस के कॉलम में और 1 जो है उसको हम कैरी करेंगे टेंथ के कॉलम में। और जब हम टेंथ के कॉलम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5 + 1 + 1 = 7। 100 में हमारे पास 1 जो है वो अकेला ही है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन के लिए हमारे पास और कोई नंबर नहीं है तो हम 1 को 1 लिख देंगे नीचे। तो इस तरह जो टोटल अदीवा और समीहा ने जो ग्रेप्स खाए हैं वो उनकी जो टोटल वो है नंबर है वो है 174। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन अ लाइब्रेरी देर वॉज एन अटेंडेंस ऑफ 636 गर्ल्स एंड 241 बॉयज़ इन अ वीक, हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑल टुगेदर। अब एक लाइब्रेरी है जहाँ पे जो लड़की हैं उनकी अटेंडेंस जो है, हाजिरी जो है वो है 636 और जो बॉयज़ हैं उनकी है 241 एक वीक में यानी कि एक हफ्ते में। अब वो पूछ रहे हैं कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि बच्चे हैं वो कितने हैं। 100 टेंस और वंस के कॉलम बनाएंगे और 636 को ऊपर लिखेंगे, 241 को नीचे लिखेंगे, वंस के कॉलम पहले सॉल्व करेंगे, 6 + 1 = 7। टेंथ के कॉलम में हमारे पास हैं 3 + 4, 3 लाइन ऊपर लगाएं 4 लाइन नीचे लगाएं तो हमारा आंसर आएगा 7। और 100 के कॉलम में हमारे पास 6 + 2 = 8। इस तरह जो टोटल स्ट्रेंथ है बच्चों की वो है 877। लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इन अ ऑर्चर्ड रिहान प्लांट 152 मैंगो सैपलिंग्स एंड रिदा प्लांट 38 गुआवा सैपलिंग्स, हाउ मैनी सैपलिंग्स डू दे प्लांट ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे एक ऑर्चर्ड है, एक बाग है जिसमें रेहान और जो है वृदा, इन्होंने अलग-अलग से एक ने जो है मैंगो सैपलिंग्स जो है उनको प्लांट किया यानी कि बोया, ठीक है, लगाया है, और जो वृदा है उसने गावा सैपलिंग्स को जो है वो लगाया। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि कितने टोटल जो है इन्होंने प्लांट जो हैं वो लगाए हैं। अब हम 100 टेंस और वंस के कॉलम बनाएंगे और ऊपर 152 लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे 38। वंस के कॉलम को सॉल्व करते हैं, 2 + 8, 2 लाइन ऊपर लगाएं 8 लाइन नीचे लगाएं तो आंसर हमारे पास आएगा 10। 10 का 0 हम लिखेंगे वंस के कॉलम में और 1 जो है उसको हम कैरी करेंगे टेंथ के कॉलम पे। टेंथ के कॉलम में हमारे पास नंबर्स हैं जी 5 + 3 + 1, जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। 100 के कॉलम में हमारे पास अकेला 1 है तो हम 1 जो है उसको वैसे ही नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब जो टोटल रिदा और रेहान ने प्लांट जो है वो लगाए हैं वो हैं 180, ये हमारे पास आंसर आया। अब हम लोग चलते हैं टेबल्स ऑफ 6 की तरफ। ये टेबल जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ना है और इसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद करना है ऑरल भी, और अपनी कॉपी में इसको लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस टेबल को अच्छे तरीके से ओरल याद करना है और साथ में इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने पेज नंबर 34 और 35 जो है इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और फिर इनको खुद सॉल्व करना है। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि काइंडली वो बच्चों को इन पेजेस को सॉल्व करने में इनकी हेल्प करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।